रात को 2 बजे कोई प्यार में हंसता है तो कोई प्यार में रोता है और हमें सारी भूख लगती है। ठीक है, तो एक तरफ आपका पति खड़ा है, एक तरफ आपका भाई खड़ा है, आप किसको मारोगी? पति को। अरे मैडम, तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारोगी, ब्रेक। भाई तेरा ब्रेकअप क्यों हो गया? भाई गलती मेरी थी, वो मुझसे पप्पी मांगती रही और मैं कुत्ते का बच्चा ढूंढता रहा। तुम चाय ठंडी करके क्यों पीते हो? मेरे दिल में रहने वाली लड़कियां काली ना हो जाए इसीलिए। क्या अजीब लड़की है यार ये, इसको बेबी और मुझको कुत्ता बोलती है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि GF का मतलब गोबर फेंकने वाली होता है? बेबी, पहले तो आप हमेशा बोलते थे कि मैं आपके सपनों में आती थी, अब क्यों नहीं आती? अरे मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ ना। सबसे ज्यादा बेइज्जती वहाँ फील होती है जब घर वाले कुछ सामान मंगाए और बोले ये सामान गलत लिया है, जा वापिस करिया। आपके साथ हुआ ऐसा? कमेंट में बताओ। किससे बात कर रहे हो? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? बहन से। हाँ तो इसमें लड़ने की क्या बात है? पगली तुम्हारी बहन से। अरे अरे सॉरी भैया, भैया एक नोटिस में मेरा भी है, एक नोटिस में मेरा भी है। अरे भैया 1000 का था यार, 1000 का दो। अरे अबे 1000 का था, 1000 का दो। अबे 1000 का तो बंद हो गया। बेबी आप मुझे शादी से पहले कितने सारे गिफ्ट देते थे और अब? अरे पगली, मछली को पकड़ने के बाद थोड़ी चारा खिलाया जाता है। हेलो, मेरा BSNL का नेट नहीं चल रहा है। एक मिनट मैडम, चेक करके बताता हूँ। मैडम चेक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा भी नहीं चल रहा है। यार मम्मी बोलती है कि लड़कियों से दूर रहा करो, उन्हें क्या पता है यहाँ लड़कियाँ पहले से ही दूर रहती हैं। दोस्तों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। अरे भाई भाई, नीचे कुत्ता काट रहा है तुझे। हाँ तो दोस्तों, तुमसे पहले भी मेरा एक बॉयफ्रेंड था। कोई बात नहीं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। क्या मतलब? मुझे सेकंड हैंड चीजों की आदत है। बेबी चलो ना शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं बेबी, वो मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है बेबी, कल चलते हैं। अरे भाई यार, दारू नहीं छूट रही, शादी कर ले, सब्जी भी बीवी की पसंद की खाएगा। सुनो, जल्दी से जाके कपड़े धो। नहीं, तुम क्या सोचती हो कि जो तुम चाहोगी हमेशा वही होगा? मैं पहले झाड़ू मारूंगा फिर कपड़े धोऊंगा। मन करता है शहर की हर दीवार पे तेरा नाम लिख डालूं। Oh, no! लेकिन डर लगता है कोई मुंह ना दे तेरे नाम पर। अरे अभी तो सफर शुरू किया है, रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, इसीलिए हमने थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी ले ली है। साले भाई, मेरा दिल नहीं लग रहा यार। तो भारी क्यों निकाला? यार मेरा दिल टूट गया। तो गिराए क्यों? बहुत साफ दिल था उसका। क्यों, बचपन में सर्फ एक्सल खा गई थी? गाइस, रोशनी नाम है मेरी दोस्त का, पर उसने 4-5 लड़कों को अंधेरे में रखा हुआ है। क्यों करती है रोशनी ऐसा? ओए ओए मेरी फुलझड़ी, तेरी मम्मी से पूछा तो तेरी मम्मी कहती है तुम सिर्फ कॉलेज जाती हो, तो घर का काम कौन करता है? झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, क्या वो भी कॉलेज में सिखाते हैं? घर वाले सिखाएंगे ना, तो फिर सीखो ना बहन, कॉलेज जा। अच्छा एक बात बता, जिंदगी के असली मजे किस में है? 180 ml में। पागल है क्या जाहिल? 750 ml में है। तुम्हें गिनने से डर नहीं लगता क्या परिंदे? बेबी हाँ,
अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी करोगी? ना बेबी, मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी। और आप? मैं भी। सिट यार। क्या हो गया यार? मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, मन कर रहा है कि मैं सब मर जाऊं। पागल है क्या? कुछ अच्छा बोल। ठीक है फिर तू मर जा। मर जा, डिस्काउंट चल रहा है। चलो सुनो, आई हैव फीलिंग फॉर यू। फीलिंग का क्या, अचार डालूंगा? पैसे है तो दे दे। मेरे बाबू ने थाना थाया। मेरे भाई, इश्क में ऐसा इतिहास बनाऊंगा। क्या बात है, चाहे मेरी बाबू भूखी रह जाए पर मैं तो थाना थाऊंगा। आधी दुनिया किसी को पटाने में परेशान है और आधी दुनिया किसी को पटा के परेशान है। चलो बेबी बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है बेबी, मैं रेडी होके आती हूँ। अरे रुको यार, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तू तो वैसे ही बहुत बदसूरत हो। क्लास चल रही थी, टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ कौन कौन होमवर्क करके आया है? किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। टीचर को बहुत गुस्सा आया। टीचर ने बोला, जो कल होमवर्क ना करके आया मैं मुर्गा बनाऊंगा। ये सुन के एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। जनाब, कुछ लड़कियों ने फांसी लगा ली इस लड़के को पाने के लिए। आज हमारे साथ एक ऐसे गरीब व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनको रहने के लिए छत तक नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं। हे भगवान, क्यों ऐसे गरीब को धरती पर जन्म देते हो आप? गरीब है तो अपने लिए है ना, तुमको क्या लगा फट रहा है? क्या यार, कितनी सिगरेट पीता है? अगर तूने यही सिगरेट के पैसे अगर रोज के बचाए होते ना तो आज शायद तेरे पास कार होती। अच्छा, तू सिगरेट पीता है? नहीं। तो तेरी कार कहाँ है? अगर ये जोक सुनोगे तो हंसते हंसते गिर जाओगे, इसलिए सुना ही नहीं रहा। यार, हमसे एक भी लड़की नहीं पटती, ऐसा क्यों? कैसे पटेगी जब शक्ल तुम्हारा कुत्ता जैसा है? ये किसी ने क्या खूब लिखा है मुर्शद, कि किसी ने क्या खूब लिखा है, यहाँ पेशाब करना मना है। जब कोई अनजान लड़की मेरे को मैसेज करती है तो मुझे लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। सुनता, कल तोरा घरे पुलिस काहेला आयल रहे रे? अरे मत पूछ। का भेल रहे बताओ ना? एक बार कह देलक मत पूछ तो काहे पूछता रे? एक बार की बात है, पप्पू की टांगे नीली पड़ गई। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके टांगों में जहर फैल चुका है, ये काट कर नकली लगवानी पड़ेगी। पप्पू का ऑपरेशन हो गया और उसके नकली टांग लगा दी गई। अगले दिन पप्पू की नकली टांगे भी नीली पड़ गई और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने काफी टाइम सोचने के बाद बोला, अच्छा अब समझ में आया, जींस रंग छोड़ती है। मेरी सेटिंग इतनी मासूम है, अगर उसको कोई चॉकलेट दे दे वो उसी से ही सेट हो जाती है। क्या ये? सॉरी सर, सॉरी। दूसरा पीस लेके आओ सर। सर ये दूसरा पीस। थैंक यू।